जगत बीच में अटल एक सरकार। और वह सरकार कौन? बोले रे तीन लोक पे कायम है, तीन लोक पे कायम है उकी सत्ता अपरंपार। जगत बीच में अटल वही सरकार, जगत बीच में अटल वही सरकार। और तीन लोक में कायम है, तीन लोक में कायम है उनकी सत्ता अपरंपार। इस जगत बीच में अटल वही सरकार, जगत बीच में अटल वही सरकार। एक सरकार बना दी हमने अपना वोट देके, लेकिन एक भगवान की सरकार जो 5 साल में नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि उसका मंत्रालय बड़ा पक्का है, उसने जितने मंत्री लगाए वो उस पद के काबिल है जो कभी बदले नहीं जाएंगे। आइए भगवान के दरबार में, भगवान की सरकार में कौन सा देवता, कौन सा मंत्री है, एक एक बोल सुना लोगों। बड़ी विचित्र बात लिखी है कि कौन सा भगवान, कौन सा मंत्री है, किस विभाग का मंत्री है, के बता दिया है। हाय नव जल थल आधीन राज के कितने उसकी ताल कोना, हर पल काम करे कर्मचारी भ्रष्टाचारी जाल कोना। मंत्रीगण पद के काबिल है, मंत्रीगण पद के काबिल कोई छुट्टी और हड़ताल कोना। मंत्रीगण पद के काबिल है, छुट्टी और हड़ताल कोना। जब कोई सरकार बनती है तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का, उसके बाद सारे पद बांटे जाते हैं कि मंत्रालय में कौन बनेगा। सजनों कौन सा पद दिया और किस देवता को दिया, सुनिए। ओए मंत्री गण पद के काबिल भई भ्रष्टाचारी जाल को, अरे मंत्री गण पद के काबिल भई भ्रष्टाचारी जाल को। अरे राष्ट्रपति शिव की शक्ति, शंकर भोले नाम जिसका, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी सारे इंतजाम उसका। गृह मंत्री विष्णु जी है पालन पोषण काम जिनका, गृह मंत्री विष्णु जी है पालन पोषण काम जिनका, गृह मंत्री विष्णु जी है पालन पोषण काम जिनका। अरे राजताज और योग फकीरी, राजताज और योग फकीरी कर्मों के अनुसार, जगत बीच में अटल वही सरकार जी, वही जगत बीच में अटल वही सरकार। अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान। कवि ने कहा उस परमात्मा की सरकार में सबसे बड़ा राष्ट्रपति शंकर भगवान, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी और गृह मंत्री जिनका पालन पोषण का काम वो विष्णु जी। इब आगे सुनो, आगे कौन सा पद किसको दिया, महिलाओं को भी मिला, लेकिन महिलाओं को कौन सा पद क्यों कर मिला, सुनिए क्या लिखा। Hey!
वित्त मंत्री लक्ष्मी माता खर्च करण ने दे धन माया, शिक्षा मंत्री सरस्वती माता सकल जगत को रे ज्ञान सिखाया, शिक्षा मंत्री सरस्वती माता सकल जगत को ज्ञान सिखाया। अरे खाद्य मंत्री भी एक माता अन्नपूर्णा कहलाती है, हे खाद्य मंत्री भी एक माता अन्नपूर्णा कहलाती है, रक्षा मंत्री दुर्गे माता, रक्षा मंत्री दुर्गे माता पल में कष्ट मिटाती है, अरे उसके संग में मनसा देवी रमन का बोझ हटाती है, उसके संग में मनसा देवी मन का बोझ हटाती है। उड़ 24 घंटे हो सुनवाई, 24 घंटे हो सुनवाई, खुला रहे दरबार इस जगत बीच में अटल वही, ये कहा जो परमात्मा की सरकार है उसमें सारे विभाग अलग अलग है। अब देखना जो बिजली मंत्री है अगर गांव में आ जा तो उसका बांटने का तरीका अलग, वो न्यू कहेगा कब दिन में बिजली दूंगा रात को कोना दू, खेत में 4 घंटे दूंगा, और किसी में बीपीएल कार्ड है गरीब है तो फ्री में दे दूंगा। लेकिन सजनों परमात्मा ने अपनी सरकार में उसका तो बांटन का तरीका ही अलग है, क्यों कर बांटता है और कौन है के बता दिया। हाय बिजली मंत्री सूर्य देवता, बिजली मंत्री सूर्य देवता सबके घर प्रकाश करता, उसका पिए चंद्रमा जो रात ने विख्यास करता, विश्वकर्मा उद्योग मंत्री यंत्र नए तलाश करता, विश्वकर्मा उद्योग मंत्री यंत्र नए तलाश करता। अरे सूचना प्रसारण मंत्री नारद खबर पूछाते पल में, सिंचाई मंत्री इंद्र देवता कमी ना छोड़े किते जल में, है कृषि मंत्री मेघराज अन्न पैदा कर सारे थल में, कृषि मंत्री मेघराज अन्न पैदा कर सारे जल में। अरे मनुष्य पशु और जीव जंतु, मनुष्य पशु और जीव जंतु खंडर भर र भंडार इस जगत बीच में अटल वही, बुजुर्गों लिखने वाले ने कलम तोड़ के धर दी। देखो अपने बाबा अंसानाथ इसका भी एक मंत्रालय बताया, यो भी मंत्री है परमात्मा की सरकार में, और बाबा अंसानाथ कौन सा मंत्री है और कौन कौन से मंत्री रहेगी के बताया, के बोल समझने वाला बोल आई।
अगर अंसानाथ बाबा को दिल से सुमरोगे तो वो आपको ऊर्जा देगा। बोलो अंसानाथ बाबा की। अरे ऊर्जा मंत्री हंसानाथ है सबका काम चलाने वाला, स्वास्थ्य मंत्री हनुमान है पल में बूटी लाने वाले वाले। कपड़ा मंत्री कृष्ण जी है पल में चीर बढ़ाने वाले, अरे धर्मराज यमराज कानून मंत्री कोरट सबते न्यारा पावे, चित्र गुप्त धोरे थारा लेखा जोखा सारा पावे, सतबीर सिंगुरु करे पैर भी उड़ और ना सहारा पावे, सतबीर सिंगुरु करे पैर भी और ना सहारा पावे। अरे सुखबीर सिंह बड़ मिया रे छंद में, सुखबीर सिंह बड़ मिया छंद में मिले धर्म का सार जगत बीच में, वही सरकार। बोलो बाबा अंसानाथ महाराज की।